देखिए बेटे, यहां मैंने लिखा है सेकंड डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शंस। ओके, हम सभी को इनवर्स फंक्शंस के बारे में तो पता है भी, इनवर्स क्या होते हैं, है ना। कोई भी एक फंक्शन है, जैसे ये आपका एक फंक्शन है जिसको हम लोग जानते हैं, वाई को डेट टू पावर एक्स, है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और ये हमारी वाई को एक्स लाइन है। इसके अबाउट अगर मैं इसकी मिरर में ले लेता हूं तो ये जो फंक्शन बनेगा दैट इज द इनवर्स ऑफ दिस, है ना, दैट इज लॉग। ये वैसे आपको पता ही है ऑलरेडी, है ना, मुझे बताने की नीड नहीं है। सो जो मुझे बताना है या डेरिवेटिव की बात करने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि अगर किसी का इन्वर्स निकालना हो तो हम लोग इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए वाई इक्वल टू दिया है एक्स स्क्वायर, या एक्स प्लस वन ले लो, कोई भी ले लो। क्या किया जाता है यहाँ कि ये जो वन है इसको इधर बुला लो, वाई माइनस वन इक्वल टू, मतलब एक्स इक्वल टू वाई, है ना। फिर जहां एक्स है वहां क्या आ जाएगा, वाई, और जहां वाई है वहां एक्स आ जाएगा, यानी कि दैट इज द इनवर्स ऑफ दिस। मेरी बात समझ आ रही होगी। मतलब जो फंक्शन है उसको जैसे यहां किया कि एक्स इक्वल टू जी वाई, इस टर्म्स में लेके आया, वाई के टर्म्स में लेके आया उसको। मतलब क्या है कि वाई इक्वल टू एफ एक्स एंड एक्स इक्वल टू जी वाई आर इनवर्स फंक्शन ऑफ ईच अदर। मतलब कि वाई इक्वल टू एफ एक्स का जो इनवर्स है वो है एक्स इक्वल टू जी वाई। ये एक्स में है और ये वाई में बन रहा है, ठीक है। लेट अस एक्सप्रेस जी डबल डैश वाई इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ एफ एक्स। मतलब कि हमें क्या चाहिए, हमें अगर कोई जी डबल डैश वाई पूछ लेगा, डबल डेरिवेटिव, सेकंड लिखा हुआ है, सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर लिख लो चाहे सेकंड डेरिवेटिव लिख लो, बात एक ही है ना। उस केस में हम क्या करेंगे, है ना, ये बड़े सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना। क्या करेंगे, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे एफ एक्स के टर्म्स में। देखो बेटे, डीवाई बाई डी एक्स को तो हम जानते ही, वो तो एफ डैश एक्स होगा। इसको मैंने डेरिवेटिव किया इसका एक्स के रिस्पेक्ट में, और अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूँ डी एक्स ओवर डी वाई इज इक्वल टू आ जाएगा जी डैश वाई। कुछ गलत लिख रहे हैं क्या? नहीं, हमें लेकिन ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए डबल डेरिवेटिव। ओके, हमें चाहिए जी डबल डैश वाई, जी डैश वाई आ गया। चलिए जी डबल डैश वाई की तरफ बढ़ते हैं, हमें चाहिए जी डबल डैश वाई। क्या करें, ये जो आपने जी डैश वाई अभी फाइंड आउट किया, ये मुझे आप बता सकते हो कि डी एक्स अपॉन डी वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, डी एक्स अपॉन डी वाई को मैं लिख सकता हूँ वन अपॉन डी वाई ओवर डी एक्स। ओके, सो दैट इज आवर जी डैश वाई। गलत है क्या? नहीं, डीवाई बाई डी एक्स की जगह हम क्या पुट कर देंगे, डीवाई बाई डी एक्स की जगह हम पुट कर देंगे एफ डैश एक्स, क्योंकि हमें जो चाहिए वो किसके टर्म्स में चाहिए, एफ एक्स के टर्म्स में चाहिए। तो इसको जी डबल डैश वाई किसके टर्म्स में चाहिए, एफ एक्स के टर्म्स में चाहिए, तो इसको एफ डैश एक्स के टर्म्स में ले आओ तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये आ गया जी डैश वाई, ये जी डैश वाई आ गया। अब हमें फाइंड आउट करना है जी डबल डैश वाई। हाँ जी, कैसे करेंगे जी डबल डैश वाई फाइंड आउट करने के लिए हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। ओके, सो जी डैश वाई इज इक्वल टू वन अपॉन एफ डैश एक्स, यही है, यानी कि इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे इसको, है ना। और ये फंक्शन वाई में है, मेरी बात समझ आ रही होगी आप लोगों को, ठीक है। सो वाई इक्वल टू वन अपॉन जी डैश वाई इक्वल टू वन अपॉन एफ डैश एक्स। अब इसको डेरिवेटिव करते हैं, तो डेरिवेटिव, भाई डेरिवेटिव तो इसका होगा ना, वाई के रिस्पेक्ट में होगा, क्योंकि ये तो वाई का, वाई के टर्म्स में। सो ये आएगा डी ओवर डी वाई ऑफ जी डैश वाई इज इक्वल टू डी ओवर डी वाई ऑफ वन अपॉन एफ डैश एक्स। ओके, सॉरी बेटे, हाँ, डी ओवर डी वाई ऑफ, अब मैं बताऊंगा कि कैसे होगा भाई एक्स, मतलब अगर कोई फंक्शन एक्स में दिया है तो उसको वाई के रिस्पेक्ट में कैसे करना है वो आपको मैं समझाता हूँ। यहां से आ जाएगा जी डबल डैश वाई जो हमें चाहिए, लेकिन वो किसके रिस्पेक्ट में चाहिए, वो हमें एफ एक्स के टर्म्स में चाहिए, ये बोला ना उसने, ठीक है। डिफरेंशिएट इसको वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, लेकिन लाना इसको मतलब कि कैसे है वो आपको समझाते हैं। ये आपका आ जाएगा जी डबल डैश वाई इज इक्वल टू डी ओवर डी वाई ऑफ दिस। सबसे पहले इसका डेरिवेटिव होगा, और फिर अगर मैं लिख देता हूं यहां डी वाई ओवर डी एक्स, तो ये क्या आएगा, डीवाई बाई डी एक्स अगर होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, डी ओवर डी वाई ऑफ वन अपॉन एफ डैश एक्स, ठीक है, सही है। इसको हमने डिफरेंशिएट करना है। सबसे पहले डिफरेंशिएशन करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में किया, यानी कि आएगा डी ओवर डी एक्स ऑफ, डी ओवर डी एक्स ऑफ वन अपॉन एफ डैश एक्स, क्योंकि एक्स के टर्म्स में दिया।
अब ये क्या होगा कि ये जो x है इसका दोबारा से किसके रिस्पेक्ट में होगा, y के रिस्पेक्ट में होगा। मेरी बात समझ आ गई होगी? अगर ऐसे नहीं समझाता बच्चों को, मैं याद करने का तरीका बता देता हूँ कि वो dx और dx को आप कैंसिल कर दो, d और dy ही तो आप फाइंड आउट कर रहे हो, सही तो है। सो ये आप निकाल सकते हो, ठीक है जी, इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। u पर v वाला फार्मूला याद होगा आप लोगों को। सो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा एफ डैश एक्स का स्क्वायर, वी का स्क्वायर होता है ना बेटा, ये एफ डबल डैश एक्स नहीं है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, मैं देख लेता हूँ एक बार आपको विजिबल है। सो हाँ सही है, सो एफ डबल डैश एक्स नहीं है, ये एफ डैश एक्स का स्क्वायर होगा, मेरी बात समझ रहे हो, ठीक है। सो बाहर आ जाएगा यहां आपका एफ डैश एक्स का स्क्वायर, और बाहर क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स बाहर आ जाएगा, और डिफरेंशिएट होगा वन का डिफरेंशिएशन होगा, तो वन का तो जीरो ही होता है, माइनस, फिर बाहर इस बार कौन आने वाला है, वन, और डिफरेंशिएशन किसका होगा, डिफरेंशिएशन होगा एफ डैश एक्स का, और साथ में क्या चल रहा था बेटा, डी एक्स बाय डी वाई, उसको लिख लो, ठीक है। सो ये इसका डिफरेंशिएशन तो जीरो होता है, जीरो के साथ ये टकराएगा तो ये तो खत्म हो गया है ना, और माइनस डी ओवर डी एक्स ऑफ दिस, ये लिख दो बेटे, अगला स्टेप मैं यहां लिखू, चलिए देखें। सो ये तो आ गया आपका जीरो, ये तो खत्म हो गया क्योंकि कॉन्स्टेंट का जीरो होता है, माइनस ये होगा माइनस वन इन टू दिस, तो ये आ जाएगा एफ डबल डैश एक्स, ओके, और अपॉन में एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर। क्या बच्चे आप मुझे बता सकते हो ये डीएक्स बाय डीवाई क्या है? ये डीएक्स बाय डीवाई हमारा यहां से देखिए क्या है, डीएक्स बाय डीवाई को अगर मैं देखना चाहूं, ये देखिए, हाँ डीवाई बाय डीएक्स क्या है हमारा, इज इक्वल टू एफ डैश एक्स, तो डीएक्स बाय डीवाई क्या होगा, वन अपॉन दिस, मेरी बात नहीं समझे होगी यार। सो ये अगर मैं कर दूं वन अपॉन एफ डैश एक्स, सो ये रिवर्स में आ जाएगा क्या, ये डीएक्स ओवर डीवाई। सो मेरा कहने का मतलब है कि जहां मुझे डीएक्स बाय डीवाई दिखाई देगा वहां ये मैं पुट कर दूंगा वन अपॉन एफ डैश एक्स, सो ये यहां पुट कर दूंगा वन अपॉन एफ डैश एक्स, ये वन अपॉन एफ डैश एक्स आ जाएगा। सो एफ डैश एक्स की पावर यहां से क्या आ जाएगी, थ्री आ जाएगी डिनोमिनेटर में, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, ये आपको मैंने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करा दिया, मैंने लिखा जरूर सेकंड ऑर्डर है, मैं थर्ड ऑर्डर तक कराने वाला हूँ, ये लास्ट जो स्टेप है वो थोड़ा सा देखो ये विजिबल होना चाहिए आपको, ये वाला, ठीक है जी। ये मैंने वन अपॉन एफ डैश एक्स रखा है यहाँ, ये किसकी जगह रखा, ये रखा मैंने डी एक्स अपॉन डी वाई की जगह, ये वाला स्टेप, ठीक है। सो ये जो भी आया आपका, ये जो स्टेप आया मेरा, ये क्या आया भाई, ये डबल डेरिवेटिव आया, और एफ एक्स के टर्म्स में, जैसा मैं बोल रहा था, मतलब ये इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, नॉट एफ एक्स, इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, यानी कि एफ डैश एक्स के टर्म्स में लेके आओ, तो मैं ले आया भाई, है ना। सो मैं यहाँ पूरा प्रॉपरली लिख देता हूँ, मेरे पास जो भी आया डबल डेरिवेटिव क्या आया, मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, ये आया आपका जी डबल डैश वाई इज इक्वल टू आ गया माइनस एफ डबल डैश एक्स अपॉन में आ गया बेटे हमारा एफ डैश एक्स का होल क्यूब, मेरी बात समझा रही होगी बेटे आपको, ठीक है। ये जी डबल डैश वाई, क्या जी डबल डैश वाई से काम चल जाएगा मेरा, क्या मुझे फिर दोबारा से डिफरेंशिएट नहीं करना होगा मुझे? हाँ जी बिल्कुल करना होगा, अब मैं इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा बेटे, है ना। चलिए देखिए दोबारा से इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे हम, मतलब कि अगर मुझे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना, वैसे तो मैंने यहाँ लिखा सेकंड डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, मैं थर्ड करने वाला हूँ, देखो भाई हाँ कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है ना, करते हैं। देखिए यहां मैं इसको इरेज कर, ठीक है, चलिए थर्ड डेरिवेटिव करते हैं इसको, चलो इसको इरेज कर, क्योंकि इसी से काम चल जाएगा हमारा, सिमिलरली ऐसे ही होगा, है ना, इसका थर्ड डेरिवेटिव बहुत इजी है, हाँ इसको इजी नहीं कह सकते, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों को, है ना, ये थर्ड डेरिवेटिव में बहुत कंफ्यूजन होते हैं, लेकिन मैं कराने वाला हूँ, देखिए भाई ये है हमारा जी डबल डैश वाई, एक मिनट विजिबल है या नहीं आपको ये, मैं थोड़ा इसको मैं मूव कराता हूँ कैमरा पर, हाँ जी जहाँ सेकेंड है मैं थर्ड लिख दूंगा, मतलब समझ लो भी सेकेंड में लिख देते हैं। सो यहाँ देखिए जो हमारा जी डबल डैश वाई है, क्योंकि इसके लिए स्पेस अच्छी खासी चाहिए इस बार, है ना, माइनस एफ डबल डैश एक्स और डिवाइड में है एफ डैश एक्स का होल क्यूब, यही है ना। चल देखो क्या करने वाला हूं मैं, ध्यान से देख लेना भाई इस बार, है ना, फिर ना कहना गलती होगी। देखो बेटे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ एक सिंपल सा स्टेप है, ब्लैक पेन में ले आया हूँ, थोड़ा ध्यान से देख लेना, डेंजरस है थोड़ा, है ना,
ट्रिपल डैश वाई निकालने जा रहा हूं। मेरी बात समझ लेना भाई, ट्रिपल डैश वाई है ना जी, डबल डैश वाई मेरे पास है, इसको चाहे इक्वेशन वन बना लो, ठीक है, इसको इक्वेशन वन बना लो, कोई इशू नहीं है, इसको इक्वेशन वन बनाओ, है ना, कुछ भी ले लो इक्वेशन वन। अगर मैं यहां वाई की जगह वो जो वाई है रियल में उसको पुट करूं, वाई है क्या, वाई क्या है, एफ एक्स है ना, तो एफ एक्स यहां पुट कर सकते हैं, वाई की जगह एफ एक्स रख सकते हैं, है ना, सो ठीक है, और इक्वल टू दिया माइनस एफ डबल डैश एक्स अपॉन एफ डैश एक्स की होल पावर थ्री, ठीक है। हाँ जी डबल डैश वाई का मीनिंग क्या है यहाँ पे, जी डबल डैश वाई का मीनिंग क्या है रियल में अगर मैं बात करूं तो इसका मीनिंग है कि आपका डबल डिफरेंशिएशन हो रहा है डी टू एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर, दैट्स द मीनिंग ऑफ इट। ओके हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डी थ्री एक्स अपॉन डी वाई थ्री। ओके सो मतलब कि आपने इसको वाई के रेस्पेक्ट में ही किया ना, हाँ सही था, सो यहां भी आप अगर रखना चाहते हो ना लिख कर दो वाई की जगह जो भी है आप पुट कर दो, है ना, ठीक है, चाहे जी एक्स में ले आओ उसको, वो कोई इशू नहीं है, लो लिख दो जी एक्स में। सो इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट अगर मैं करता हूँ ध्यान से देखना, जो डी टू एक्स इसी को लिखो इससे ज्यादा समझ आएगा, डी टू एक्स अपॉन डी वाई टू हमारा है माइनस एफ डबल डैश एक्स और डिनोमिनेटर में है हमारा एफ डैश एक्स की होल पावर थ्री, ठीक है जी। बस एक छोटा सा कंफ्यूजन है, बस एक छोटा सा, होना वैसे ही है जैसे उसको किया था, सिमिलरली वैसे ही है ना, सिमिलरली लिख देता हूँ, लेकिन एक छोटा सा कंफ्यूजन होगा आपको, वो अभी क्लियर कर देता हूँ, बहुतों के साथ होता है ना। हम कर किसके रिस्पेक्ट में रहे हैं डिफरेंशिएट, वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, वहां भी ऐसा ही किया था, पूरा दिया फंक्शन किसके रिस्पेक्ट में था, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट अगर मुझे करना है, जैसे मुझे अगर डी थ्री वाई बाय डी थ्री एक्स बाय डी वाई थ्री निकालना है, यानी कि यहां मैं लिखूंगा डी ओवर डी वाई ऑफ दिस, इसका मीनिंग यही है, मतलब इसको दोबारा से मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, यानी कि इसको मैं दोबारा से डिफरेंशिएट कर रहा हूं वाई के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में होगा नहीं, पहले किसके रिस्पेक्ट में होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में, और फिर एक्स को हम दोबारा से y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, ये मीनिंग हुआ, ये स्टेप अगर आ गया समझ में क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। सो इसको पहले x के रेस्पेक्ट में करते हैं, देखना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ये स्टेप, है ना, ये यहां लाइन विजिबल होगी आप लोगों को, ये देखिए u अपॉन v का फार्मूला, डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v का फार्मूला क्या होता है, वो फार्मूला कहता है कि पहले आप डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दो, डिनोमिनेटर है हमारा एफ डैश एक्स का होल क्यूब, वो ऑलरेडी क्यूब है, सो यहां सो यहां आ जाएगा आपका f डैश x की होल पावर 3 का स्क्वायर किया तो क्या आएगा 6। ओके आर यू गेटिंग दिस, ठीक है। सो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव बड़ा इजीली हम फाइंड आउट कर लेंगे, क्या होगा, पहले ये इधर आ जाएगा v, इधर बाहर आता है, v को बाहर निकालो, यानी कि है f डैश x की पावर 3, इसको हमने बाहर निकाला, कंफ्यूजिंग होगा भी बता रहा हूं मैं फिर से, माइनस पूरा ही निकाल लो, चलो बताओ माइनस पूरे बाहर आ गया, माइनस ऑलरेडी आ गया, उसको बाहर निकाल लिया, ये आ गया, इसको बाहर निकाला, v को बाहर निकाल लिया जाता है, और फिर u का डिफरेंशिएशन होता है, u का डिफरेंशिएशन तो ये आएगा f ट्रिपल डैश x, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, माइनस इस बार f डबल डैश x बाहर आ जाएगा, यानी कि u बाहर आएगा और v का होगा, v है क्या हमारा यार, v जरा कंफ्यूजिंग है, v बड़ा v काफी है, ये पूरा v है ना, ये दिख रहा है, इस v का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा आएगा 3 फ्रंट में आएगा, एन एक्स की पावर वाला चलेगा, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, यानी कि एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर, ये आएगा, और फिर एफ डैश एक्स का दोबारा से डिफरेंशिएशन होगा, और दोबारा से एफ डैश एक्स का डिफरेंशिएशन होगा, तो यहां आएगा बेटे एफ डबल डैश एक्स, क्योंकि हम एक्स के रिस्पेक्ट में सब कर रहे हैं, और लास्ट में हमारे पास आएगा डी एक्स ओवर डी वाई। आर यू गेटिंग दिस, ये अगर बात समझ आ गई है तो बस हो गया, पहला स्टेप ये समझ आना चाहिए, दूसरा स्टेप ये है, लास्ट में थर्ड स्टेप में तो बस इसको सॉल्व करना है, आपको ये दोनों स्टेप अगर समझ आ गए हैं तो बस बेटे हो गया, कुछ नहीं, माइनस कॉमन लिया हुआ है ध्यान से, है ना, माइनस बार लिया हुआ है, ठीक है जी। चलिए क्या आप में से कोई बच्चा ये बता सकता है कि ये एफ डैश एक्स रियल में है क्या, मतलब रियल में क्या है, क्योंकि यार ये देखो ये आपका डी एक्स बाई डी वाई जो है ना वो कंफ्यूज करेगा आपको, इसलिए मैं कह रहा हूं पहले ये बताओ कि एफ डैश एक्स रियल में है क्या, क्यों कटिंग नहीं हो पाएगी, है ना। सो ये है बेटे हमारा, ये जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये एफ डैश एक्स के होल क्यूब, हाँ जी, क्या है ये रियल में, हम इसको जानते हैं डिवाइड बाय डी एक्स, ये देखो ये लिखा हुआ है, ये डिवाइड बाय डी एक्स से जानते हैं, उसको रख दो यहां,
यहां आ जाएगा फिर डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब, मैं यही कर देता हूं चेंजेस, तो ये आ जाएगा ये डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब, यहां मैं लिख देता हूं दैट वुड बी डी वाई बाई डी एक्स होल क्यूब। चलो बेटे ये चेंज कर दिया मैंने यहां पे, क्यों कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं ऐसा, मैं मुझे क्या नीड है, ये देखो ये कुछ ऐसी फॉर्म में दिया इसलिए इस फॉर्म में लाना ज्यादा बेटर है। एफ ट्रिपल डैश एक्स की जगह क्या लिखूंगा, एफ ट्रिपल डैश एक्स की जगह एक्स इसकी प्लेस में हम क्या लिखने जा रहे हैं, इसको सोचो ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, एफ ट्रिपल डैश एक्स, ठीक है जी, हाँ जी सोचिए, एफ ट्रिपल डैश एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, जैसे इसको लिखा वैसे इसको भी लिख दो, यानी कि एफ डैश एक्स डी वाई बाई डी एक्स एफ टू एफ डबल डैश एक्स होगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू एफ ट्रिपल डैश होगा डी थ्री वाई बाई डी एक्स थ्री, यहां मैं लिख सकता हूं डी थ्री वाई बाई डी एक्स थ्री, वो भाई पावर थ्री है और यहां ऑर्डर थ्री है, दोनों में फर्क है, यहां डिग्री है या ऑर्डर है, ये दोनों में फर्क है भाई, ये डिग्री है ये ऑर्डर है ये वाला इधर वाला है ना, सो माइनस एफ डबल डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स का मतलब डी टू वाई बाई डी एक्स टू, और ये लिख दूंगा मैं डी टू वाई बाई डी एक्स टू, अब इतना तो आप लोगों को समझ आ ही गया होगा, और माइनस थ्री डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, माइनस थ्री डी वाई बाई डी एक्स का, मैंने गलती की पहले इसी को लेके चलता तो ज्यादा बेटर था, है ना, डी वाई बाई डी एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं और ये आ जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू, डी टू वाई बाई डी एक्स टू। अब जो कटिंग होगी, कटिंग का तो क्या ये जो आपने लिखा हुआ है ये क्या है, व्हाट इज दिस, सो कटिंग वगैरह कॉमन लो पहले तो, हाँ कॉमन लो यार, पूरा कॉमन ये है हमारा डी वाई बाई डी एक्स की होल पावर सिक्स, कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है मेरा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है जी, बाहर निकालो डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, बस हो गया क्वेश्चन आपका, ठीक है जी, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर मैंने बाहर निकाला तो अंदर जो आ रहा है माइनस साइन के साथ, यहां ध्यान से देख लेना भाई, माइनस मैंने कॉमन क्या लिया डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये अंदर आ रहा है डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी थ्री वाई बाई डी एक्स थ्री दिख रहा होगा, माइनस ये लिया हुआ है कॉमन डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है ना, सो और क्या आ रहा है साथ में, माइनस माइनस थ्री टाइम्स दिस इंटू दिस, माइनस थ्री डी टू वाई बाय डी एक्स टू का होल स्क्वायर, देखो भाई ध्यान से देख लो आप लोग ऑब्जर्व करो इसे, हाँ जी सही है सर, वेरी गुड, सो और डिवाइड में हमारा जो चल रहा है और साथ में एक मल्टीप्लाई में भी चल रहा था क्या, डी एक्स ओवर डी वाई, और जो पूरे के डिवाइड में है उसको भी लिख लो, पूरे के डिवाइड में फुल डिवाइड में क्या है जल्दी से बताइए, अरे ये तो कॉमन आ गया, ये थ्री टाइम्स लगा दिया, हाँ इसका होल स्क्वायर कर दिया, ये डिवाइड बाई डी एक्स की होल पावर सिक्स, सिक्स है, कटिंग कर देते हैं सीधा ही करो यार काम नहीं खत्म करो इसकी, और इसको बुला लो नीचे, ये नीचे जब जाएगा तो आएगा डिवाइड बाई डी एक्स, यहाँ ऐसे है ना, ऐसे इस फॉर्म में आएगा नीचे आके, और ऑलरेडी कितना दिया था डिवाइड बाई डी एक्स की होल पावर कितनी है बेटे, सिक्स है, ये सिक्स है ये टू है, कटिंग होगी तो यहां बचेगी फोर, ओ भाई समझ आ रहा होगा यार है ना, सो ये फोर आ रही है, ये अगर फोर आ रही है बेटे माइनस चल रहा था माइनस को ना पूछ जाना, और ये डिवाइडेड एक्स और डिवाइडेड एक्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये पावर हो जाएगी फाइव, तो बेटे ये आपका लास्ट में आंसर आ जाता है। अब मैं दोनों को फिर से एक बार लिख देता हूं आप लोगों के सहूलियत के लिए, मैं दोबारा से लिख देता हूं यहां देखिए, दोनों को लिख देते हैं डबल डेरिवेटिव को भी और ट्रिपल को, ट्रिपल को तो लिखेंगे इसको दोबारा क्या लिखूंगा, ठीक है देखिए, हाँ जी डबल लिखा होते हैं, चलो दोबारा से देख लो, अगर मुझसे कोई पूछेगा कि जी डबल डैश वाई बताओ तो बेटे उसको ऐसे लिखना, इस तरीके से मैं लिखने जा रहा हूं, जी डबल डैश वाई इज इक्वल टू, जी डबल डैश वाई इज इक्वल टू माइनस माइनस एफ डबल डैश एक्स अपॉन एफ डैश एक्स होल क्यूब, और एफ डैश एक्स को आप जानते हैं कौन है, डी वाई बाई डी एक्स है ना, इसको भी लिख लो जी ट्रिपल डैश वाई, इसको भी इसी के टर्म्स में लाओ एफ डैश एक्स के टर्म्स में, एफ डैश एक्स ही तो है, एफ डैश एक्स की होल पावर फाइव, माइनस कॉमन ही रहने कोई इशू नहीं, माइनस इसमें भी कॉमन चल रहा है, इंटू एफ डैश एक्स इंटू एफ ट्रिपल डैश एक्स, कई बच्चे क्या करेंगे इसको दोनों भी जोड़ देंगे, ऐसा नहीं चलेगा ये दोनों जोड़ दो थ्री ओवन, ऐसा नहीं, माइनस थ्री टाइम्स एफ डबल डैश एक्स होल स्क्वायर, ये ओके ये ध्यान रखिएगा,
ये दोनों फार्मूले आप याद ही कर लो, ये सेकंड ऑर्डर है और ये हमारा थर्ड ऑर्डर है, याद रखिए फर्स्ट ऑर्डर। तो इस तरीके से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसी के, ठीक है। क्वेश्चन है, इफ जी इज द इनवर्स ऑफ, क्वेश्चन है इफ, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, इफ जी इज द, आपको क्वेश्चन से ही पता लगेगा यूज कैसे हो रहा है इसका, इफ जी इज द इनवर्स ऑफ, इफ जी इज द इनवर्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है ई की पावर एक्स प्लस एक्स क्यूब माइनस वन, एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स एक्स क्यूब, हाँ ये इसको हमें फाइंड आउट करना है कि देन फाइंड जी डबल डैश ई, मतलब पूछा कुछ और है दिया कुछ और है, देन फाइंड, ध्यान से सुन लो भाई, एफ डबल डैश ई नहीं पूछ रहा, वो जी डबल डैश ई पूछ रहा है, एफ डबल डैश तो कोई भी निकाल लेगा, है ना। सो ये क्वेश्चन है, सो ये कहना क्या चाहता है कि अगर जी इसका इनवर्स है किसका, एफ एक्स का, तो जो जी है ना जी उसको डबल डेरिवेटिव करके दो, है ना। तो कैसे होगा जी, इफ जी इज द इनवर्स ऑफ दिस, सबसे पहले तो अभी फार्मूले का ही यूज करेंगे, हमने अभी जो फार्मूला किया है जी का वही लिख दो यहाँ, या अगर आप डेरिवेटिव निकाल सकते हो तो उसको कहाँ तक निकाल लो, डबल तक निकाल लो, डबल तक करो सेकंड डेरिवेटिव, हाँ चलिए डबल तक करो, पहले तो एफ डैश एक्स फाइंड, पहले एफ एक्स ही लिखो, एफ एक्स हमारा ई की पावर एक्स प्लस एक्स क्यूब माइनस वन, एफ डैश एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स आ जाएगा बेटा ई की पावर एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर, वो फार्मूले याद ही कर लो यार, डायरेक्ट अप्लाई करेंगे हम एग्जाम में, है ना। एफ डबल डैश एक्स क्या आएगा, ये आएगा ई की पावर एक्स प्लस सिक्स एक्स, ओके। अब बेटे हम क्या करेंगे, ये सब तो हमने फाइंड आउट कर लिया, एफ डबल डैश एक्स एफ डैश एक्स क्या यूज है बेटे इसमें, देखो डबल डेरिवेटिव पूछ रहा है तो इतना ही चल जाएगा, इतना काम चल जाएगा हमारा, है ना। सो अगर ट्रिपल निकालना है तो निकाल दो, वैसे फायदा तो कुछ नहीं होने वाला उसका, क्योंकि फार्मूला हमारा क्या है जी डबल डैश वाई का, पढ़ा तो है अभी, अभी तो जस्ट लिखा था यार, जी डबल डैश वाई इज इक्वल टू माइनस साइन था, नीचे था एफ डैश एक्स का होल क्यूब यही था, तो अभी अभी जस्ट लिखा मैंने, और ऊपर आएगा एफ डबल डैश एक्स, ठीक है जी, एफ डबल डैश एक्स, ये था इसको याद कर दो, थर्ड वाले में आई थिंक वो प्रॉब्लम हो सकती है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो एफ डबल डैश एक्स क्या है हमारा, माइनस ई टू द पावर एक्स प्लस सिक्स एक्स दिख रहा है, हाँ जी, और अपॉन में आ जाएगा एफ डैश एक्स क्या दिया हुआ, ई की पावर एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर, तो सही तो है सब, हाँ गुड। तो यह आ जाएगा ई की पावर एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर का होल क्यूब, चलो कोई इशू नहीं, जी डबल डैश वाई ये आ गया, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए जी डबल डैश ई, मतलब कि जो इसका इनवर्स है उसमें अगर मैं ई पुट करता हूं उसके, ये गड़बड़ हो गया ये, है ना, देखो बेटे ये ठीक है, सॉरी दिख रहा है सब, ये हमारा आ जाएगा जी डबल डैश वाई इज इक्वल टू, यहां पुट कर दो भाई क्या, जी डबल डैश ई, तो यहां से आ जाएगा जी डबल डैश ई इज इक्वल टू जी डबल डैश ई पूछा है, आप देखो भाई एक्स की वैल्यूज निकालो भाई, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, वन ई की पावर एक्स प्लस सिक्स एक्स, सब सही तो है ना, सो जी डबल डैश ई चाहिए हमें, है ना, ई ई किसकी वैल्यू है, ये जो ई है ये कौन है, ये एक्स है ना, तो वाई की वैल्यू कैसे रख देंगे यार, ये सॉरी बेटे ये, हाँ ये एक्स नहीं, अरे भाई एक्स की कौन सी वैल्यू है जिसके लिए वाई क्या हो रहा है, ये वाई है यार, वो गलती कर रहे हैं हम, वाई कब ई आ रहा है ये पूछ रहा है, एक्स की वैल्यू वन रखो जरा, वन माइनस वन कैंसिल हो रहा है, और हाँ सही तो है, एक्स की वैल्यू वन के लिए वाई ई आ रहा है, तो यहां बेटे वन आए, बस ये कंफ्यूजन होगा बस, यस वाई की वैल्यू पुटोगी, यहां लिखा भी उसने जी डबल डैश वाई, ये कंफ्यूजन है बस, बाकी कुछ नहीं है, वन पुट कर दो आंसर आ गया बेटे, ओके So do it. You have to put the value of x equal to 1. ठीक है? ये space है, इसमें मैं लिख देता हूँ, यहाँ जाएगा minus e plus 6, okay? Upon e plus 3 whole cube. That we can. I think कोई mistake तो नहीं है, check कर लेना बच्चे.
माइनस सही है सब है ना. सो दैट इज द आंसर. ओके दैट्स द आंसर. सो इफ समबडी इज राइटिंग हियर जी डबल डैश वन इज इक्वल टू माइनस ई प्लस सिक्स इन डिवाइड ई प्लस थ्री होल क्यू. सो दैट इज आवर आंसर. ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन. सो मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, फिर एक नया क्वेश्चन लिखते हैं. वो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लेंगे, एक दो अच्छे क्वेश्चन भी लेते हैं. मैं इसको इरेज कर देता हूँ. देखिए बेटे इस क्वेश्चन को देखिए जरा जल्दी से. एफ एक्स इक्वल टू दिस एंड जी एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ जी डबल डैश. कह रहे हैं जी डबल डैश नहीं है, ट्रिपल डैश होगा ये. सॉरी जी ट्रिपल डैश टू. ओके सो चलिए स्टार्ट करिए. ट्रिपल डैश टू का पहले मैंने फर्स्ट वाला कराया था और सेकंड अब थर्ड का करा रहे हैं है ना. ये इसका इनवर्स कौन है, जी एक्स है. वो मतलब इस बार इस तरीके से दे दिया उसने है ना, जी एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स. उसने मतलब बता दिया आपको कि जी एक्स जो है वो इसका इनवर्स है. किसका, इस एफ एक्स का. मेरी बात समझ आ रही होगी भाई. अब ये जी वाई क्यों नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये कन्फ्यूजन ना रखो. क्योंकि ये जो एफ इनवर्स एक्स है इसी जगह हम कई बार क्या लिख देते हैं, वाई लिख देते हैं है ना. सो ये आ गया. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ जी ट्रिपल डैश टू. देखो जी ट्रिपल डैश टू का तो ये फार्मूला लिख दिया मैंने, ब्रैकेट नहीं लगाया था वो लगा दिया, ये लिख दिया मैंने है ना. सो अब इस फार्मूले में हम वैल्यू भी तो पुट करेंगे. और क्या करना है यार, क्या टू पुट कर दें डायरेक्टली है ना. कुछ लोग तो कह रहे हैं यार आंसर जल्दी करो भी, पुट फटक से है ना आंसर आना चाहिए. तो कुछ लोगों के माइंड में यही चल रहा होगा कि जल्दी से हम क्या पुट कर दें इसमें, टू पुट कर दें. लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे. अब मैं आपको बताता हूँ ऐसा हम क्यों नहीं करेंगे. सबसे पहले एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एफ एक्स दिया हुआ है वन प्लस एक्स क्यूब. पहले हमें जो जो चाहिए वो वहां तक निकालो ठीक है जी. ट्रिपल तक चाहिए, ट्रिपल तक निकालो. एफ डैश एक्स इक्वल टू आ रहा है थ्री एक्स स्क्वायर. वन का जीरो है ना. एफ डबल डैश एक्स क्या रहा है, ये आ रहा है बेटे सिक्स एक्स. और लास्ट में एफ ट्रिपल डैश एक्स क्या आ रहा है, ये आ रहा है बेटे हमारा सिक्स. आर गेटिंग दिस बेटे. ये हमने फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिए हैं. अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे यही बोलोगे. लेकिन एक्स क्या होगा ये सोचो जरा. ये तो वाई है जी, ये है ना. मतलब हमें पूछ रहा है कि जब वाई टू हो तो जी ट्रिपल डैश वाई. हाँ ये तो है जी ट्रिपल डैश वाई. हाँ जी सोचिए क्या करें इसमें पुट. सो सिंपली आपको समझ लग गया होगा, मुझे बताने की नीड नहीं है. आपको पता लग गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ यहाँ. सो ये वाई है हमारा और एक्स की वैल्यू क्या पुट करें इसमें, वन पुट करें है ना. एक्स की वैल्यू वन पुट करें. सो एक्स की वैल्यू वन ठीक है. एक्स की वैल्यू यहाँ वन पुट होगी तभी तो एफ एक्स क्या आएगा, टू आएगा. यानी कि वाई हमारा टू आएगा. यानी कि जी ट्रिपल डैश टू इज इक्वल टू माइनस कॉमन लिया होगा हमने और एफ डैश वन देन क्या आएगा बेटे इंटू एफ ट्रिपल डैश वन माइनस थ्री एफ डबल डैश वन का होल स्क्वायर. और डिवाइड में आ रहा है हमारा एफ डैश वन होल पावर फाइव. ये देखो बेटे एफ डैश वन की वैल्यू तो हमें पता ही है. एफ डैश वन की वैल्यू क्या होती है, अभी यहां से निकाले यार ये क्या रही है. एफ डैश वन क्या आ रहा है, थ्री आ रहा है ये थ्री. और एफ ट्रिपल डैश वन क्या आ रहा है, सिक्स आ रहा है. इसको मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस थ्री टाइम्स एफ डबल डैश वन, सिक्स ही आ रहा है ये भी है ना. थ्री इंटू सिक्स का स्क्वायर और अपॉन में क्या आ रहा है बेटे, सॉरी अपॉन में आ रहा है हमारा एफ डैश वन होल पावर फाइव. वन होल पावर फाइव यानी कि थ्री होल पावर फाइव ये आ जाएगा. इक्वल टू व्हाट, एटीन माइनस दिस, एटीन माइनस थर्टी सिक्स इंटू थ्री अपॉन में आ रहा है थ्री टू द पावर फाइव. ये बेटे आप एटीन कॉमन ले लो यहां से तो ये आ जाएगा आपका माइनस एटीन कॉमन लेते हैं तो आ जाएगा एटीन कॉमन लिया अंदर आ जाएगा वन माइनस ट्वेल्व और इन डिवाइड क्या आ जाएगा थ्री टू द पावर फाइव. सी है ध्यान से देखो, वन माइनस ट्वेल्व इज व्हाट, ये दिख नहीं रहा. हाँ ये लास्ट वाला स्टेप नहीं दिख रहा. सो कोई नहीं मैं वैसे ही आंसर लिख देता हूँ इसका. आपको वैल्यू सॉल्व करनी है, ये तो कैलकुलेशन का काम है.
है ना, तो हटाओ इसको, कैलकुलेशन करो, ये काम तो आप कर सकते हो। तो यहाँ से g ट्रिपल डैश 2 जो भी आएगा वो यहाँ लिख देते हैं, g ट्रिपल डैश 2 की वैल्यू आ जाएगी 10/27 पूरा सॉल्व होने के बाद। सो ये आएगा 10/27, इसको सॉल्व कर लीजिए। सो ये लेक्चर यहीं मैं फिनिश करने वाला हूँ, ये वैल्यूज आ गई हमारी, ठीक है जी, g ट्रिपल डैश 2। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यू ये क्या हो गया, ये 6 ये कहाँ से आ गया, गलती हुई है क्या, चेक कर लेना बेटे, मिस्टेक ना हुई हो, सब सही है, हाँ ठीक है सब सही। ओके बेटे, थैंक यू।